हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपनीशता मैम। बच्चों, आज करवा चौथ का फेस्टिवल है, तो आपके घर में जितनी भी लेडीज हैं, आपकी मम्मी, आपकी दीदी, सबको इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई होप कि सबने बहुत ही अच्छी तरीके से ये त्यौहार करवा चौथ का फेस्टिवल अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मॉर्निंग वर्ल्ड में बच्चों आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 46, और चैप्टर 46 में स्टार्ट हो रहा है आपका टेंस। टेंस जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो बच्चों, अब टेंस जो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ, काफी लंबा ही चलने वाला है, और ये पूरा टेंस, पूरा जैसे कि जानते हैं, पूरा एक चैप्टर, ये पूरा एक टॉपिक है, तो काफी ये लंबा चलेगा। और इसको अभी तक आपने जिस वे में टेंस को पढ़ा होगा, सभी जनरली ऐसे ही लिखवाते हैं कि भाई ता है ती है, तो इसको समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहा है रही है तो समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इन चीजों के अलावा बच्चों, हम इसको, इस टेंस को बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाती चलूंगी, आप उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। और टेंस में हम बहुत ज्यादा रूल पर ध्यान नहीं देंगे। अगर हमको कोई चीज बातचीत, हम बातचीत के वे में पढ़ेंगे कि अगर हमको किसी से बातचीत करना है टेंस के बारे में, यदि हम मतलब टेंस को मिलाकर के ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला ना करते हैं, ठीक है, तो ये भी मैं टेंस में ही बोल रही हूँ। तो हम लोग टेंस को लेकर के ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ तो कोई मैं नियम याद नहीं कर रही हूँ ना कि मेरे को यहाँ पे ये रूल लगाना है, रूल लगा करके बात करूंगी। तो जब हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो इतने नियम के साथ यदि हम पढ़ेंगे, तो जब हम किसी से बातचीत करेंगे और उसको जब हमको ट्रांसलेट करके बोलना है इंग्लिश में, तो वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक रूल को याद करें, फिर उसको फॉलो करें, अच्छा फर्स्ट फॉर्म लगाना है, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसको हम यूज करें, इतना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इतना सोचते नहीं है, या सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, बोल नहीं सकते। तो बच्चों, हम लोग बोलने के वे में इसको पढ़ेंगे टेंस को, आपको सारे नियम भी समझ में आएंगे, आप सही बोलेंगे भी, और हम बोलने के वे में पढ़ेंगे ना, तो वो हमको दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जब आप किसी से बातचीत करेंगे ना, तो बिना प्रेशर के आराम से आपके मुंह से बराबर निकलेगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा बोल बोल करके, ठीक है। तो बच्चों, चलिए टेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है बच्चों समय, ठीक है। समय देखिए, तीन तरीके का समय होता है। एक वो समय जो कि बीत गया, ठीक है, एक वो समय जो अभी है, और एक वो समय जो कि आगे आने वाला है। सपोज करिए कि आज आप स्कूल गए और आपने हिंदी का एग्जाम दिया, ठीक है, आपके सामने पेपर आया था, आपने एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद बाहर निकलते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा हिंदी का पेपर बहुत ही खराब गया, मतलब अच्छा नहीं गया हिंदी का पेपर। तो जो बीत गया, अब आपने एग्जाम दे दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो जो बीत गया वो क्या है? वो है पास्ट, ठीक है ना। जो बीत गया है वो पास्ट है। अब आपको आज घर जाकर के क्या आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तैयारी करेंगे आप, तो आप घर जाकर के कल इंग्लिश का पेपर है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट है। अभी आप जो कर रहे हो ना, वो आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और आप कल क्या करने वाले हैं? कल इंग्लिश का आप जाकर के स्कूल में एग्जाम देंगे, जिसका पेपर कैसा आएगा आपको पता नहीं, तो वो आपका फ्यूचर है, ठीक है। कल क्या होगा मेरे को पता नहीं है ना, तो जो बीत गया वो पास्ट, जो अभी है वो प्रेजेंट, और जो आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर। तो बच्चों, ये हमारे होते हैं टेंस के प्रकार, ठीक है। इतना कुछ मैं ग्रामर का लेकर के नहीं चलूंगी, नोट्स आपको बाद में मिल जाएगा ये वीडियो के लास्ट में। अब टेंस बोल, जैसे मैंने बताया आपको, बोल चाल की भाषा में मैं सिखाने की कोशिश करूंगी। तो टेंस जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा, एक होता है पास्ट टेंस, बीत गया, प्रेजेंट टेंस जो अभी है, और फ्यूचर टेंस जो कि आगे आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट की। सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले अपने प्रेजेंट पर ही ध्यान देना होता है। आपका अगर प्रेजेंट सही है तो आपका पास्ट भी सही होगा और आपका फ्यूचर भी सही होगा, ठीक है। आज आपने अगर सही अच्छी तरीके से किया तो कल, आज का दिन कल के लिए क्या होगा? पास्ट हो जाएगा, है ना। तो आज अच्छी तरह से किया है तो जाहिर सी बात है कि आपका पास्ट भी अच्छा होगा, और आप आज के कल मतलब अच्छा आज कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कल का भी दिन अच्छा ही जाएगा, है ना। तो प्रेजेंट को, सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान देना, प्रेजेंट को सही रखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी बच्चों हम कई तरीके से बात करते हैं ना, आज के दिन में भी कई तरीके से बात करते हैं कि हाँ मैं रोज में पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, या मैं कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट भी कई तरीके का होता है कि करता हूँ, कर रहा हूँ, इस तरीके से प्रेजेंट को भी चार भागों में बांट दिया गया है ना। जो हम जो सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसको हमने चार भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो उसमें से पहला जो है, जो मैं हमेशा ताहूं में बात करेंगे, ठीक है ना, करता हूँ, करता है, ठीक है, ऐसे है ना, ता है ती है, जो आपको बताया मैंने कि इस तरीके से सिंपल से बात करते हैं, तो उसको हम लेकर के चलते हैं। यदि प्रेजेंट में, आज के दिन में ये चीज मैं करता हूँ, हाँ हाँ मैं जाता हूँ,
नहीं, मैं ये नहीं खाता, ठीक है ना। ये चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की अगर बातें आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। हम आज के दिन की बात कर रहे हैं बच्चों, यानी किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में भी आप अपने बारे में बता रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ये ऐसा करता हूँ, बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ताऊ से ही आएगा कि हाँ हाँ मैं ये तो खाता हूँ, नहीं चाय नहीं पीता हूँ, है ना, अपने बारे में बता रहा हूँ। तो ये चीज क्या हो जाएगा, इसको हम प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इसको प्रेजेंट सिंपल भी आप बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप अपने बारे में कोई ताहे ताहे में अगर बताते हैं, ठीक है ना, मैं ये खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो ये भी कई तरीके से जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे, क्या तुम रोज बाजार जाते हो, क्वेश्चन पूछा, हाँ जाता तो हूँ। क्या संडे को भी जाते हो, नहीं संडे को नहीं जाता हूँ। तो जाता हूँ एक पॉजिटिव बात आ रही है, नहीं जाता हूँ नेगेटिव बात आ रही है। तुम सैटरडे को क्यों जाते हो, क्यों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इंट्रोगेटिव बात आ गई। तो इस तरीके से हमारे पांच तरीके के सेंटेंस होते हैं, है ना। आप बात करके देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि पांच तरीके के सेंटेंस है। सीधे हम एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल से बात करते हैं, ओके। देखिए, मैं रोज नहाता हूँ, आप अपने बारे में बता रहे हैं। अब बच्चों सिर्फ आपको बोल बोल करके प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं पढ़ा लूँ, ये समझा दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। मैं रोज नहाता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई टेक बाथ एवरी डे, है ना। सीधे बोलो, नियम को साइड में रख दो, कोई रूल नहीं है ना। आप सीधे बोलिए कि अभी की बात है, मैं क्या करता हूँ, मेरी अपनी आदत बता रहा हूँ, है ना। मेरी आदत जो है मैं वो बता रहा हूँ कि मैं रोज नहाता हूँ, आई टेक बाथ एवरी डे। मैं सर्दी में रोज नहीं नहाता, है ना, तो हम सर्दी को छोड़ देते हैं, मैं रोज नहीं नहाता हूँ, ठीक है, अपनी आदत बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई डोंट टेक बाथ एवरी डे या आई डू नॉट टेक बाथ एवरी डे। तो डू नॉट बोलने में थोड़ा लंबा पड़ता है तो डोंट बोलते हैं, आई डोंट टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज नहीं नहाता हूँ। अब अपने आप से पूछ रहा हूँ, क्या मैं रोज नहाता हूँ, है ना। किसी ने आपसे पूछा रोज नहाते हो क्या, अच्छा क्या मैं रोज नहाता हूँ, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे डू को आगे कर देंगे, डू आई टेक बाथ एवरी डे, ठीक है, डू को आगे कर दिया, डू आई टेक बाथ एवरी डे, ओके। मैं रोज क्यों नहाता हूँ, अपने आप से क्वेश्चन, ठीक है, अपनी ही आदत है लेकिन अपने आप से क्वेश्चन पूछा है। मैं रोज क्यों नहाता हूँ, व्हाई डू आई टेक बाथ एवरी डे, व्हाई डू आई टेक बाथ एवरी डे। अब मैं रोज क्यों नहीं नहाता, ठीक है, नहाता हूँ, हूँ बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, उस तरीके से हमको इस्तेमाल करता है ना। मैं रोज क्यों नहीं नहाता हूँ, मैं रोज क्यों नहीं नहाता, ऐसे बोलते हैं ना। तो व्हाई डू आई नॉट टेक बाथ एवरी डे, Why do I not take bath every day? है ना? तो देखिए पांच तरीके के सेंटेंस हुए बच्चों, और आपको क्या करना है कि इन पांच सेंटेंस को खूब बोल करके प्रैक्टिस करना है। आप चाहते हैं कि आपका टेंस भी अच्छा हो जाए और आपको दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना हो, और आप इसको बोल चाल की भाषा में भी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। आपको खूब बोलना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, खूब बोल बोल करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ कि आप इसको रट करके प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपके टंग पर आ जाएगा, वो चीजें टंग पे आ जाएंगी, डायरेक्टली बाहर निकलेगा वो, है ना। जैसे मैं आपसे कोई चीज बोलूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, फटाफट आपने इतनी बार सुन रखा है, इतनी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ कि आप तुरंत बोलेंगे समथिंग इज योरली फिशी। आपको पता है ना, क्योंकि मैं ये रोज आपसे बोलवाती हूँ, जो चीज हम रोज बोलते हैं ना बेटा, वो चीज हमारे टंग पे हो जाता, फट से वो फ्लुएंटली निकलता है, ठीक है। तो आप इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे, मैं रोज नहाता हूँ, आई टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज नहीं नहाता हूँ, आई डोंट टेक बाथ एवरी डे, क्या मैं रोज नहाता हूँ, डू आई टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज क्यों नहाता हूँ, व्हाई डू आई टेक एवरी डे, ठीक है, व्हाई डू आई टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज क्यों नहीं नहाता हूँ, व्हाई डू आई नॉट टेक बाथ एवरी डे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है इसको कैसे, बोल बोल करके। अब देखिए, आपने इसको मैं के लिए बात किया, ठीक है ना, अब हम इसको तुम के लिए भी बात कर सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, तुम रोज नहाते हो, ठीक है, तुम रोज नहाते हो। आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, देखिए एक्सप्रेशन से ही पता पड़ता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्या लगा ही, है ना। तुम रोज नहाते हो, ये क्वेश्चन हुआ, तुम रोज नहाते हो मतलब बता रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम रोज नहाते हो, ठीक है, यू टेक बाथ एवरी डे, बस वही मैं की जगह पे यू लगाते ना और कुछ नहीं। तुम रोज नहाते हो, यू टेक बाथ एवरी डे, तुम रोज नहीं नहाते हो, मैं देता हूं तुमको, तुम रोज नहीं नहाते हो, यू डोंट टेक बाथ एवरी डे, क्या तुम रोज नहाते हो। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू टेक बाथ एवरी डे, ठीक है, तुम रोज क्यों नहाते हो, ठीक है, तुम रोज नहा, क्या तुम
यू टेक बाथ एवरी डे? तुम रोज क्यों नहाते हो? व्हाई डू यू टेक बाथ एवरी डे? ठंडी लग जाएगी, क्यों रोज नहाते हो? व्हाई डू यू टेक बाथ एवरी डे? तुम रोज क्यों नहीं नहाते? ठीक है, व्हाई डू यू नॉट टेक बाथ एवरी डे? व्हाई डू यू नॉट टेक बाथ एवरी डे? तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो? ठीक है, इसी चीज के लिए आपने मैं के लिए इस्तेमाल किया, इसी को आपने तुम के लिए इस्तेमाल किया, इसी को आप हम लोगों के लिए इस्तेमाल करिए। ठीक है, मैं मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए, जितने हम है ना, हम सब के लिए। हम सब रोज नहीं नहाते हैं, या हम लोग रोज, हम पहले नहीं, पहले नहाते हैं बात करेंगे, पहले पॉजिटिव बात करेंगे। हम लोग रोज नहाते हैं, क्या बोलेंगे? वी टेक बाथ एवरी डे। वी मीन्स हम लोग, हम लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वी टेक बाथ एवरी डे। हम लोग रोज नहीं नहाते हैं, वी डोंट टेक बाथ एवरी डे। कुछ नहीं करना है, सारा सेंटेंस वही है, केवल आई की जगह यू, यू के जगह वी लगा रहे हैं। ठीक है, आई मतलब मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम लोग। क्या हम लोग रोज नहाते हैं? एक साथ अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या हम लोग रोज नहाते हैं? ठीक है, डू वी टेक बाथ एवरी डे? ओके, क्या हम लोग, नहीं, हम लोग रोज क्यों नहाते हैं? अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम सब एक साथ, हम लोग रोज क्यों नहाते हैं? व्हाई डू वी टेक बाथ एवरी डे? हम लोग रोज क्यों नहीं नहाते हैं? व्हाई डू वी नॉट टेक बाथ एवरी डे? ठीक है, व्हाई डू वी नॉट टेक बाथ एवरी डे? तो ये हो गया क्वेश्चन मैं के लिए, तुम के लिए, हम लोगों के लिए। अब होगा वे लोग। ठीक है ना, सामने हैं, ढेर सारे हैं, सबके बारे में बात करेंगे। वे लोग रोज नहाते हैं, ठीक है, दे टेक बाथ एवरी डे। वे लोग रोज नहीं नहाते हैं, दे डू नॉट टेक बाथ एवरी डे। क्या वे लोग रोज नहाते हैं? डू दे टेक बाथ एवरी डे? क्या वे लोग रोज क्यों नहाते हैं? व्हाई डू दे टेक बाथ एवरी डे? वे लोग रोज क्यों नहीं नहाते हैं? व्हाई डू दे नॉट टेक बाथ एवरी डे? तो बच्चों, हम लोग मैं के लिए, तुम के लिए, हम लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए और वे लोगों के लिए, इन चार के लिए हम लोगों ने आज स्टडी किया। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, लंबा है, तो मैं आज इतना ही लेती हूँ बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए, पहला जो सेंटेंस हमने बोला कि मैं रोज नहाता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव कहलाएगा, सिंपल पॉजिटिव है। दूसरा, मैं रोज नहीं नहाता, इसको नेगेटिव बोलते हैं। क्या मैं रोज नहाता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्वेश्चन है ना, तो इंट्रोगेटिव। क्या मैं रोज क्यों नहाता हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा है इंट्रोगेटिव। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। मैं रोज क्यों नहाता हूँ, है ना, ये डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। मैं रोज क्यों नहीं नहाता हूँ, एक क्वेश्चन भी है और नहीं भी लग रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सेंटेंस है। तो ये हमारे पांच तरीके के सेंटेंस हैं। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से बोल बोल करके प्रैक्टिस करना है। और जब ये मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, लास्ट में वीडियो तो मैंने बताया आपको नोट्स दूंगी, जब मैं आपको ये नोट्स दे रही हूँ ना, तो आपको क्या करना है कि पहले इसको कॉपी में लिखना है, फिर मैं जो बोल रही हूँ ना उसको सुन करके और कॉपी में उंगली रख करके बोलते जाना है, और इसको प्रैक्टिस करना है बोल बोल करके बच्चों। ठीक है, इन्हीं चीजों को बोल बोल करके आपको प्रैक्टिस करना है। मैं रोज नहाता हूँ, ठीक है, आई टेक बाथ एवरी डे। मैं रोज नहाता हूँ, आई टेक बाथ एवरी डे। तुम रोज नहाते हो, यू टेक बाथ एवरी डे। हम लोग रोज नहाते हैं, वी टेक बाथ एवरी डे। वे लोग रोज नहाते हैं, दे टेक बाथ एवरी डे। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरे के लिए फिर ऐसे ही बोलना है, मैं रोज नहीं नहाता हूँ, आई डोंट टेक बाथ एवरी डे। तुम रोज नहीं नहाते हो, यू डोंट टेक बाथ एवरी डे। हम लोग रोज नहीं नहाते हैं, ठीक है, वी डोंट टेक बाथ एवरी डे। वे लोग रोज नहीं नहाते हैं, दे डोंट टेक बाथ एवरी डे। ओके, क्या मैं रोज नहाता हूँ, डू आई टेक बाथ एवरी डे। क्या तुम रोज नहाते हो, डू यू टेक बाथ एवरी डे। क्या हम लोग रोज नहाते हैं, डू वी टेक बाथ एवरी डे। क्या वे लोग रोज नहाते हैं, डू दे टेक बाथ एवरी डे। ओके, मैं रोज क्यों नहाता हूँ, व्हाई डू आई टेक बाथ एवरी डे। तुम रोज क्यों नहाते हो, व्हाई डू यू टेक बाथ एवरी डे। हम लोग रोज क्यों नहाते हैं, व्हाई डू वी टेक बाथ एवरी डे। व्हाई डू वी टेक बाथ एवरी डे। वे लोग रोज क्यों नहाते हैं, व्हाई डू दे टेक बाथ एवरी डे।
मैं रोज क्यों नहीं नहाता हूँ? Why do I not take bath every day? तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो? Why do you not take bath every day? हम लोग रोज क्यों नहीं नहाते हैं? Why do we not take bath every day? वे लोग रोज क्यों नहीं नहाते हैं? Why do they not take bath every day? ठीक है बच्चों, एक सेंटेंस ऐसे आपको बोल बोल करके प्रैक्टिस करना है। ये पांच सेंटेंस जो है इसको पूरी तरीके से याद कर लेना आप लोग, और ये नोट्स मैं अभी आपको दे रही हूँ। और बच्चों जो भी ये मॉर्निंग ओरल का वीडियो बनता है, ये इसमें मैं लिखती हूँ कि क्लास सेकंड के लिए भी है, थर्ड के लिए भी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट तक के सभी बच्चों के लिए है, बल्कि बड़े बच्चे भी इसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हर क्लास के बच्चे अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। स्कूल में भी मैं ओरल सबको एक साथ बुलवाती हूँ, एक साथ करवाती हूँ, लेकिन क्लास में क्लास टीचर जब सेकंड के बच्चों को करवाती हैं तो उसमें से थोड़ा उनके अकॉर्डिंग, वो उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वो कर सकते हैं उतना करवाती हैं। थर्ड के बच्चों को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, उसी में से थोड़ा सा निकाल के ज़्यादा करवाते हैं। फोर्थ वालों को उसी में से थोड़ा सा और ज़्यादा करवाते हैं, और जैसे जैसे बड़ी क्लास होती जाती है, जैसे एट्थ वाले बच्चे तो ये पूरा ही करते हैं। तो मटेरियल पूरा एक साथ है, सेकेंड वाले को थोड़ा निकाल के देंगे, थर्ड वाले को थोड़ा ज़्यादा देंगे, फोर्थ वाले को थोड़ा और ज़्यादा देंगे। तो लिखने का काम बच्चों आप सब लोग एक साथ कर लेना, ठीक है ना। सेकेंड से लेकर के एट तक के सारे बच्चे लिख लेना, और जब टीचर आपको करवाएंगे तो उसमें से आपको थोड़ा कम कम करके करवा देंगे, या फिर आपके अगर पेरेंट्स आपको घर में पढ़ाते हैं तो वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ करवा सकते हैं, कुछ छोड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है टेंस, और मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से इसको ऐसा तैयार करवाऊंगी बच्चों कि आपको कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं, ना कोई कंफ्यूजन रहेगा, ना आपको रूल रेगुलेशन कुछ भी देखने की जरूरत पड़ेगी, नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जितना बता रही हूँ उतना आपको बोल बोल करके बराबर प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे। अब आपको यहाँ से इसका वीडियो मिल जाएगा, इसको राइट आउट करके खूब बोल बोल करके प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, यहाँ से बच्चों ये आपका चैप्टर 46 टेंस आपको ऐसे लिखना है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट सारे बच्चे करना इसको यहाँ से शुरू करना। जो बच्चे अभी वीडियो नहीं कर रहे हैं उनको भी आप लोग बताइए कि अब बहुत ही एक शानदार टॉपिक शुरू हुआ है, तो सभी बच्चे करें इसको। ये बच्चों आप लोग लिख लो इसको, देखो जो मैंने आपको पढ़ाया बस वही चीजें हैं। तो पहले आपको राइटिंग काम करना है, पहले लिखना है, लिखने के बाद आपने पूरा वीडियो देख रखा है, अब इसको वीडियो से सुन सुन करके आपको बराबर इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए बच्चों, आज हमने सिर्फ यहीं तक स्टडी किया, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा है और आगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा, एकदम ईजी वे में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। अभी देखिए बच्चों, हमको बहुत ही पढ़ना है आगे। देखिए ये भी है, ठीक है ना, इसी टेंस में हमारा ये सारा ये चलेगा, ये आपको ये सारी चीज़ें हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, फिलहाल आपको यहीं तक करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख करके और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जितने भी बच्चों के वीडियो छूट गए हैं जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सबको आप लोग बोलिए कि अब से स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। और बच्चों अगर आप लोग को ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना, तो ज़रूर इसको लाइक करना और अच्छे अच्छे कॉमेंट करो। ठीक है, सभी बच्चे खूब अच्छे अच्छे कमेंट करो, और देखो कितने सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल को, भी सब्सक्राइब करिए, इसको भी आगे बढ़ाइए आप लोग। और बच्चों वीडियो को लाइक करना, और क्या करना है आपको, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना। ओके ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लेना। ओके, हैव नाइस डे।